नमस्कार। हर दिन भवन श्रृंखला में आज 21 नवंबर की कड़ी में हम बात करते हैं वनांचल के प्रज्योतिपुंज गहिरा गुरु के बारे में। मध्य प्रदेश के रायगढ़ और सरगुजा जिले में गौंड, कंवर, उराव, कोरवा, नगेसिया, पंडो आदि वनवासी जातियां वर्षों से रहती हैं। ये स्वयं को घटोत्कच की संतान मानती हैं। मुगल आक्रमण के कारण उन्हें जंगलों में छिपना पड़ा, अतः वे मूल हिंदू समाज से कट गए। गरीबी तथा अशिक्षा के चलते कई कुरीतियां और बुराइयों ने जड़ जमा ली। इन्हें दूर करने में जिस महामानव ने अपना जीवन खपा दिया, वे थे रायगढ़ जिला के लैलूंगा विकास खंड के ग्राम गहिरा में जन्मे रामेश्वर कंवर, जो गहिरा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। गहिरा गुरु का जन्म 1905 में श्रावणी अमावस्या को हुआ था। उस क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ता नहीं था। यही स्थिति रामेश्वर की भी थी। घर में लाल कपड़े में लिपटे एक रामचरित मानस रखी थी। जब कोई साधु संन्यासी आते, वही उसे पढ़कर सुनाते थे। इससे रामेश्वर के मन में धर्म भावना जागृत हुई। वहां मद्यपान तथा मांसाहार का आम प्रचलन था। 8-10 वर्ष तक बच्चे नंगे रहते थे। उसके बाद पुरुष लंगोटी तथा महिलाएं कमर से नीचे आधी धोती पहनती थी। नहाना धोना तो दूर, शौच के बाद पानी के प्रयोग की भी प्रथा नहीं थी। अतः शरीर से हर समय दुर्गंध आती रहती थी। ऐसे माहौल में रामेश्वर का मन नहीं लगता था। वे जंगल में दूर एकांत में बैठकर चिंतन मनन करते थे। उन्होंने लोगों को प्रतिदिन नहाने, घर में तुलसी लगाने, उसे पानी देने, श्वेत वस्त्र पहनने, गांजा मांसाहार एवं शराब छोड़ने, गौ सेवा एवं खेती, रात में सामूहिक नृत्य के साथ रामचरितमानस की चौपाई गाने हेतु प्रेरित किया। प्रारंभ में अनेक कठिनाइयां आई, पर धीरे धीरे लोग बात मानकर उन्हें गहिरा गुरुजी कहने लगे। वे प्राय यह सूत्र वाक्य बोलते थे, चोरी दारी हत्या मिथ्या त्यागे, सत्य अहिंसा दया क्षमा धारे। अब उनके अनुयायियों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। उनके द्वारा गांव में स्थापित धान मेला से ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ने पर पैसा, अन्न तथा बीज मिलने लगा। इससे बाहरी सहायता के बिना सबकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने सनातन संत समाज बनाकर लाखों लोगों को जोड़ा। शिक्षा के प्रयास हेतु उन्होंने कई विद्यालय एवं छात्रावास खोले। इनमें संस्कृत शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहती थी। समाज को संगठित करने के लिए दशहरा, रामनवमी और शिवरात्रि के पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाने लगे। लोग परस्पर मिलते समय शरण कहकर अभिवादन करते थे। उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से श्री बाला साहब देश पांडे ने वनवासी कल्याण आश्रम नामक संस्था बनाई थी। इसे जशपुर के राजा श्री विजय भूषण सिंह जुदेव का भी समर्थन था। इन सबके प्रति गहिरा गुरु के मन में बहुत प्रेम एवं आदर था। भीमसेन चोपड़ा तथा मोरू भाई केतकर से उनकी अति घनिष्ठता थी। वे प्राय इनसे परामर्श करते रहते थे। इनके कारण उस क्षेत्र में चल रहे ईसाइयों के धर्मांतरण के षड्यंत्र विफल होने लगे। गहिरा गुरु ने अनेक अपने कार्य के कुछ प्रमुख केंद्र बनाए। इनमें से गहिरा ग्राम, सामरबार, कैलाश गुफा तथा श्रीकोट एवं तीर्थ के रूप में विकसित हो गए। विद्वान एवं सन्यासी वहां आने लगे। एक बार स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर उन्हें शासन के विशेष विमान से दिल्ली लाकर हृदय की शल्य क्रिया की गई। ठीक होकर वे फिर घूमने लगे, पर अब पहले जैसी बात नहीं रही। कुछ समय बाद गहिरा गुरु प्रवास बंद कर अपने जन्म स्थान गहिरा गांव में ही रहने लगे। 92 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 1996 के में देवोत्थान एकादशी के पावन दिन उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। उनके बड़े पुत्र श्री बभ्रू वाहन सिंह अब अपने पिता के कार्यों को देख रेख कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।